नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल में। फिर से न्यू सैटरडे, नई रेसिपी लेके आए हैं हम। तो आज की जो रेसिपी है वो बिना माइक्रोवेव के बनाई है। आज की रेसिपी का नाम है गार्लिक ब्रेड होम स्टाइल। जी हाँ, बिना माइक्रोवेव के गार्लिक ब्रेड बनाएंगे आज। इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए पहले, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रीत और इंग्रेडिएंट्स दोनों ही लिख दिए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधे किचन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ गार्लिक ब्रेड का डो बनाने के लिए। तो पहले है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, मैदा, पानी और दही। तो चलिए फिर डो बनाते हैं। एक बोल में 250 ग्राम मैदा लेंगे, मैदा लेने के बाद उसमें हम ओरेगानो डालेंगे, थोड़ा सा ही डाला है। उसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे एक पिंच जितना डाला है। ये बेकिंग सोडा डाल दिया हमने, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे डो बनाने के लिए। इसमें हम दही ऐड करेंगे, तो हमने 4 टेबलस्पून दही ऐड किए इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा, बिना माइक्रोवेव के हम आज गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। कैसे बनती है बिना माइक्रोवेव के, ये एक सरप्राइज़ है, ये आपको आगे वीडियो में दिखेगी। तो चलिए फिर डो बना लेते हैं। पहले बेस बना लेंगे इसका, गार्लिक ब्रेड का बेस बना लेंगे। यूजुअली हम बाहर गार्लिक ब्रेड खाते हैं तो उसमें ब्रेड रहती है, तो इसमें हम ब्रेड यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका बेस भी घर पर ही बनाएंगे जैसे कि हम बना रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे आटे की तरह गूंद लेंगे थोड़ा। तो चलिए फिर इसके थोड़ा गूंद लेते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता आटे जैसा। चलिए फिर वेट करते हैं डो तैयार होने का। डो तैयार हो चुका है, अब बन चुका है हमारा बेस। अब इसे एक कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल लगा के 2 घंटे तक रख देंगे हम साइड में। 2 घंटे तक थोड़ा सा ऑयल इस पर अप्लाई कर लेंगे और इसे बंद करके साइड में रख देते हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था ओवन की, ये रहा वो माइक्रोवेव। हमने एक कढ़ाई ली है और उसे पहले गर्म होने देंगे। ये अंदर जो प्लेट है वो हमने सपोर्ट के लिए रखी है ताकि उसके ऊपर हम गार्लिक ब्रेड का बेस रख सके। इसे तो 20 से 30 मिनट तक गर्म होने देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे और गर्म होने देंगे। तो चलिए फिर जो वो बेस बनाया था उसे शेप दे देते हैं, गार्लिक ब्रेड का शेप दे देते हैं इसे। थोड़ा सा ऑयल हम अप्लाई करेंगे और इसे बेल लेंगे प्रॉपरली, थोड़ा थिक बेस जैसा शेप दे देंगे। रोटी जैसे बेलेंगे वैसे ही इसे बेलना है। ये आ गया थोड़ा सा मैदा, चिपके नहीं इसके लिए, ये थोड़ा सा और इसे बेल लेंगे। अब हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा सा जाड़ा ही रहने देंगे, रोटी जैसा नहीं करना इसे। चलिए फिर इसे बेलने देते हैं, इसे तैयार होने देते हैं। ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का शेप दे देना है हमें, गोल राउंड शेप दे देना है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि गार्लिक ब्रेड थोड़ी सी मोटी सी ही रहती है, पतली गार्लिक ब्रेड नहीं खाते हम। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से बेल लेना है और इसे शेप दे देंगे, गोल शेप। ये देखिए अब साइड से शेप दे देंगे थोड़ा राउंड शेप। अब एक पेस्ट बनाएंगे हम, वो पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, वो हम लगाते रहेंगे उसे डो पे। तो उस पेस्ट के लिए बटर लिया है, ये हमने गार्लिक डाली है, लहसुन डाला है
अब इस पे फ्रेश धनिया लीव्स डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरेगानो और इसे मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। लिक्विड जैसी पेस्ट है ये, थोड़ी सी थिक लिक्विड जैसी। अब ये पेस्ट को हम वो गार्लिक ब्रेड के बेस पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए ले लिया, गार्लिक ब्रेड के बेस पे अप्लाई कर देंगे इसे। इसे अच्छी तरह से सब जगह से हम बेस पे अप्लाई कर देंगे, बटरी बेस। अब इस पे हम अनियन और कैप्सिकम फाइनली चॉप किए हुए बेस के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए आ गए हमारे कैप्सिकम और अनियन। चले फिर इस पे बेस पे लगा देते हैं उसे, चॉप अनियन है। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये हमें दो बार करनी है, पहले अनियन फिर कैप्सिकम डालेंगे इस पे। कैप्सिकम भी थोड़े थोड़े चॉप किए हुए हैं। फिर इस पे ओरेगानो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये देखिए इस पे अब मोजरेला चीज डाल देंगे। तो जो प्रोसेस हमने फर्स्ट टाइम की थी वही सेम प्रोसेस मोजरेला चीज के बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये और थोड़ी चीज आ गई, बहुत सारी चीज हो गई। अब इस पे कैप्सिकम वापस से, अनियन, प्याज और थोड़े प्याज, खत्म ही कर देंगे अब इसे, प्याज को खत्म ही कर देना। अब और चीज, दोस्तों चीज बहुत ज्यादा हो गई, टेंशन मत लीजिए, सैटरडे है तो एंजॉय करेंगे आज, चीजी स्टार्टर एंजॉय करेंगे। ये ओरेगानो और चिली फ्लेक्स सबके फेवरेट है ये दोनों। तो अब इसे हम रोल कर देंगे, रोल या तो फिर आप शेप दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे हम, ताकि वो आटा एक दूसरे से चिपक जाए जब हम उसे फोल्ड करेंगे तब। ये देखिए फोल्ड कर दिया है हमने, पानी अप्लाई कर दिया है तो वो चिपक जाए एक दूसरे से। ये देखिए ये अच्छी तरह से हमें चिपका देना है, इसे स्टिक कर देना है, चेक कर लेना है बराबर से चिपका है कि नहीं। अब जो वो पेस्ट बनाया था बटरी पेस्ट, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे फिर से, ताकि ऊपर से भी हमें ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, बटर और फ्रेश जो धनिया डाला था उसका टेस्ट आए हमें। ये देखिए अप्लाई कर दिया है बहुत अच्छी तरह से, पूरे ब्रेड पे अप्लाई कर देना है, पूरा जो ऊपर का ब्रेड का लेयर है उस पर अप्लाई कर देना है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है ये ब्रेड दोस्तों। ये चिली फ्लेक्स अगेन डाल दिए और ये फ्रेश धनिया, दैट्स इट। अब ये ब्रेड को हम एक थाली में ले लेंगे। ये थाली में पहले जो पेस्ट अप्लाई किया था ब्रेड बटर का, वो बटर लगा लेंगे थाली पे, ताकि ये ब्रेड नीचे से चिपके नहीं। अब ये जो गार्लिक ब्रेड हमने बनाई थी वो प्लेट में ले लेंगे, और वो प्लेट जो हमारा देसी माइक्रोवेव था उस पर हम डाल देंगे, रख देंगे उसमें। पहले कट्स कर लेते हैं, छोटे छोटे कट्स कर लेने हैं ब्रेड पे, और कट्स के बाद भी आप चाहे तो उस पर बटर लगा सकते हो, तो बटर पूरा अंदर तक फैल जाएगा दोस्तों। अंदर भी बटर है और कट्स में भी बटर चले जाएंगे, और ऊपर बटर जब हीट होगा तो और भी अच्छी टेस्ट और भी अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए अप्लाई कर दिया हमने, अभी से हम हमने देसी माइक्रोवेव में रख देंगे। ये देखिए ये जाएगा। ये देखिए जो मैंने सपोर्ट की बात की थी, वो सपोर्ट थोड़ा ऊपर रखेगा ये थाली को, तो नीचे से कढ़ाई से हीट होके वो थाली हीट हो जाएगी। ऐसे ही हमें बनानी है गार्लिक ब्रेड। एक गार्लिक ब्रेड इनफ है दोस्तों हमारे लिए, आप चाहे तो बना सकते हो दो या तीन। अब इसे ढक देंगे 40 मिनट तक, बीच बीच में हमें चेक करते रहना है दोस्तों। ये देखिए आफ्टर 45 मिनट्स हम वापस आ चुके हैं हमारे माइक्रोवेव पे, और ये बन चुकी है। आप देख सकते हो चीज़ मेल्ट होके बाहर आ चुकी है वो कट्स के। अब इसे नीचे उतार लेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है हमारी गार्लिक ब्रेड, नीचे उतार लेंगे इसे।
ध्यान से उतारना, हाथ से मत उठाइएगा इसे। अब इसे दूसरी प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए बटर अप्लाई किया, वही पेस्ट हमने यूज किया है। इसके लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था वो पेस्ट, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाइए। इसे आप नॉर्मल ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हो वो पेस्ट को। थोड़े से हल्के से कटिंग्स कर देंगे और अलग कर देंगे वो कट को, पीसेस कर देंगे गार्लिक ब्रेड के। ये देखिए पीसेस रेडी। तो दोस्तों गार्लिक ब्रेड रेडी है यहाँ पे, हार्डली हमें 10 मिनट्स लगे रहेंगे। यस, उसे बेक होने को 40 मिनट्स लगे थे, पर वो तो दोस्तों हमें ओवन में भी 10 मिनट या 5 मिनट तक तो राह देखनी ही पड़ती है। तो विदाउट माइक्रोवेव हमने गार्लिक ब्रेड रेडी की है। तो दोस्तों चलो फिर मैं खाता हूँ ये गार्लिक ब्रेड विथ सॉस। मेरा तो सैटरडे बहुत अच्छा हो गया है आज, चीज़ बटर सॉस गार्लिक ब्रेड। चलिए दोस्तों फिर आप भी इसका मज़ा उठाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए कल मिलते हैं, चलिए फिर, बाय बाय।